राहुल जी और की पूरी टीम का जिन्होंने ये पहाड़ बनाया। पहले एक डायलॉग बोल रहा था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। बच्चे जरा शामिल होकर मजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ज्यादा लगाव आप लोगों से ही है। यहाँ बहुत से बाबा बैठे हैं, कोचेज हैं, टीचर्स हैं और समाज के बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं। मंच पे ऐसे आप अभी देखें हमारे ठीक पाए जो नौजवान सुंदर दाढ़ी की छटा में बैठे हैं, रणदीप राय जी हैं, युवा दिलों की धड़कन है, और आजमगढ़ के सुविख्यात शिवली महाविद्यालय के आप महामंत्री रह चुके हैं, आज भी तमाम सामाजिक सरकारों से अपने अपने मिलो जो रखा है और युवाओं की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। साथ ही रोहित राय जी पारिवारिक पूर्व मंत्री छात्रता, विवेक राय जी रख पे हैं यूथ कांग्रेस के मुख्य सचिव हैं, निक्की राय जी समाज सेवी हैं, अधिकता मिल राय जी हैं, रमेश राय जी मार्केट डिग्री कॉलेज से हैं, मंत्री राय जी हैं, और राहुल राय जी के पिताजी क्योंकि हमारे पिताजी के साथ सेवा में थे, हमारे पूज्य हैं, गार्जियन हैं। आज बहुत सालों बाद दर्शन हुआ, अच्छा लगा सब देखने के यहाँ पे। साथ ही छोटे लाल जी के साथ जो लोग भी पधारे हैं, मैं आप सभी का आदर करके वेलकम करता हूँ और एक दो लाइनें आप सभी के लिए समर्पित करता हूँ। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपने में जान होती है, सिर्फ वक्त से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभी हमारे पूर्व वक्ता राघवेंद्र सिंह जी जो आजमगढ़ में खेल का एक अच्छा माहौल बना रहे हैं, आपके साथ ही अभिषेक पांडे जी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आज के दिन सोशल एक्टिविस्ट होके एरियनल आपकी सत्ता के साथ कुछ काम कर रहे हैं। राघवेंद्र जी ने कहा कि अभी यहाँ खेल बहुत अव्यवस्थित है, तो मैं थोड़ा सा आप सबका ध्यान चाहता हूँ। अभी बाबूजी से बात हो रही थी आदरणीय कार्यालय जी से, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं ईश्वर का ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। परिवार के लोग हो इस बात को मैं समझिएगा, हमारे भी तमाम बुद्धिजीवी मौजूद हैं। आज की डेट में लोग पद और पैसे की लालच में भटक रहे हैं, दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का, उनको पता ही नहीं कि कितना पैसा चाहिए और कौन सा पद चाहिए। अभी रास्ते में मैं जिक्र कर रहा था अपने साथियों से, हमारे यहाँ पहले एक पद होता था गांव में सेक्रेटरी साहब लोगों का, कोई जरूरत अन्यथा ना लीजिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुनने की कोशिश करिएगा। सेक्रेटरी साहब का पद खत्म हो गया, अब वो ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी कहलाने में वो मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती थी जब तक नाम क्या क्या अधिकारी ना लिखा है। शिक्षा विभाग में एसबीआई साहब लोग होते थे, अब खंड शिक्षा अधिकारी लग गया। यूपी बिहार की जो मानसिकता है, हर आदमी आईएएस बनना चाहता है और जो बनना चाहता है ताकि अपने पड़ोसी को खौफ हो सके, उसको डरा सके, बंदर मानसिकता कहते हैं इसको, अपने पड़ोसी को डरा सके, नुकसान के अंदर प्रभाव डाल सके, तो हमारी ऐसी सोच है। और अगर आप थोड़ा आंकड़ों में जाएंगे तो 75% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक से इलाज करा रहे हैं, मतलब शहर में जहां भी जो भी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है साइकेट्रिक जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जाके देख लीजिए कि वहां सफलों की तादाद ज्यादा है या असफलों की तादाद ज्यादा है। पढ़ाई का आलम यह है, हम जिस शिक्षा व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं उस शिक्षा व्यवस्था में हमें डॉक्टर इंजीनियर आईएएस जजेस को बना दिया, लेकिन आप देखें तो आज के डेट में हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है, सुसाइड करने को मजबूर है और नहीं तो फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहा है। लेकिन वही जब आप खेल को देखेंगे
तो खेल में शुरू से आपको रिजेक्शन फेस करना सीखना पड़ता है, अपने तमाम विरोधी को भी हारने के बाद गले लगाना पड़ता है। ये वहां की परिभाषा है, ये वहां की क्वालिफिकेशन है, वहां के पैरामीटर्स हैं। लीडरशिप बाकी भी आप वहीं सीखेंगे, एक थाली में बैठ के खाना भी आप नहीं सीखेंगे। और हमारे बीच जो नेताजी लोग हैं, समाज में सबसे बड़ा काम तो वो कर रहे हैं, वो बैंक वेंचर नहीं कर रहे हैं, जो टॉपर्स वो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको समाज में रिजेक्शन फेस करना नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने लिए, खुद के लिए। जो भी लोग किसी किसी रूप में समाज को सर्व कर रहे हैं, समाज का शार्प फाउंडेशन आपको सर्व कर रहा है, कितना पे किया होगा उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा आज के इस मौके पे, क्योंकि ये कार्यक्रम खेलों खिलाड़ियों के लिए है और छोटेलाल जी जैसे गुरुओं का सम्मान है, अभी 5 सितंबर बीता है, आप सभी ने किसी न किसी रूप में अपने अपने गुरुओं को उस दिन याद किया है। तो हमारे यहाँ जो भी धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं वो भी गुरु की महिमा का बयान करते हैं। मैं प्रसंग पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी मैंने एक कथा सुना जैनपुर में, एक राम कथा चल रही थी, वहां पर प्रसंग में शांतोनी जी महाराज ने बताया कि एक पार्वती जी के गुरु नारद जी थे। आज शंकर पार्वती जी की पूजा सारी हमारी युवाई महिलाएं अपने पत्रों के विश्वास के लिए कर रही है। तो पार्वती जी के गुरु नारद जी थे और एक बार किसी विषय पे भगवान ने नारद जी को गलत ठहराना शुरू कर दिया, तो हम पार्वती जी ने विरोध किया कि मेरा गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता, गलती तो प्रभु आपकी होगी। तो जब हमारे देवता अपने गुरु को कितना सम्मान करते हैं तो हमें कितना करना चाहिए। और हम सब जैसे ही थोड़े सायन में होने शुरू करते हैं, हमें किसी किसी रूप में दो पंक्तियां जरूर पढ़ने को मिलती है कि गुरु गोविंद प्रभु करने का को लागे पाए बलिहार गुरु को अपने गोविंद। तो खेल हो चाहे शिक्षा का जगत हो, जो लोग भूल भूल जाते हैं कहीं नहीं टिक सकते हैं। जैसे कठी पतंग एक बार जब जोश निकल जाती तो कहां जाके गिरेगी फंसेगी, उसका क्या अस्तित्व होगा, वही हाल अपने गुरु के साथ संबंध विच्छेद होने के होगा। तो जो भी अपना भविष्य खेलों में बनाना चाहते हैं, खासतौर से मैं आग्रह करूंगा आप सब, जो भी आपका पहला गुरु हो, ठीक है, समय समय पर परिस्थितियां बदलेंगी, आपकी योग्यता बदलेगी, स्थान बदलेगा, आपके गुरु बदलेंगे, लेकिन जो मूल है उसका ध्यान रखने के तो आप सफल रहेंगे। दंगल, दंगल देखी है ना आप सबने, खिलाड़ी बच्चों किसी ने दंगल देखी है, दंगल देखी आपने, दंगल ना देखी तो फिर से देख ली, कैसे चीजें बदलती हैं। और क्योंकि आज एक बड़ी तादाद में समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों में निर्मित है, मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात करना चाहूंगा। 2010 में एक किताब पढ़ी, उसका नाम था स्वास्थ्य की क्रांति। उस किताब का राइटर अमेरिकी सरकार का 10 साल वित्तीय सलाहकार रहा है। बहुत दिन पहले उसने लिखा है कि जो सदी आ रही है इसमें स्वास्थ्य दुनिया का सबसे बड़ा अवसर होगा। आज की डेट में लोग खूब पैसा कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना और तथाकथित जंक फूड खाना और आराम की जिंदगी जीने को ही अपना जीवन मान लेते हैं। तो अगर हम आज नहीं चेते तो वहां मैंने एक फिलोसफी दी है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको 4 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज, जो लोग भी स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको लेकिन व्यायाम करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात हम सभी को पता है, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ इस बात में कहेंगे, पता तो बहुत कुछ है कि आप फॉलो भी करते हैं, ये रात सबको पता है व्यायाम करना चाहिए। मैं हाथ देखना चाहता हूँ आप सभी से, कितने लोग रोज व्यायाम करते हैं, मैं करता हूँ, मैं हाथ देखना चाहता हूँ कितने लोग रोज व्यायाम करते हैं, आप लोग नजर दौड़ा अपने आस पास नजर दौड़ा, सबको पता है लेकिन कितने लोग करते हैं ये विषय पॉइंट। तो ये रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि व्यायाम करना चाहिए। तो लोगों ने पूछा
क्षमा चाहता हूँ, समय कमी के नाते शायद अभी हमारे संचालक को दिक्कत है, फिर भी मुलाकात होगी।